जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 19 जून 2019 दिन बुधवार, आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वितीय तिथि शाम 2:31 तक रहेगी और उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 2:02 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आपकी पढ़ाई में असफलता, नौकरी ना मिल पाना या बार बार आपका प्रमोशन रुक जाना, यह सरकारी कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफर हो जाता है, या आपका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया है, आप पर कर्जे का बोझ चढ़ता जा रहा है, या आपके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है, या आपका विवाह तो हो गया है परंतु गृहस्थ जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है, या आपके बच्चों का स्वास्थ्य, या आपके प्रियजनों का स्वास्थ्य, या आपका खुद का स्वास्थ्य आए दिन बिगड़ जाता है, या अपने जीवन में आप अन्य किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं में आपको फायदा महसूस होगा। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करने से आपको धन लाभ होगा और माता महालक्ष्मी जी की कृपा से आपके धन के भंडारों में कभी भी धन की कमी नहीं हो पाएगी। यह उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है और आज इस उपाय को जानने के लिए आप लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। प्रिय भक्तगणों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आई हूँ। हमारे शनि पीठ मंदिर से हर महीने आप सभी को अब एक फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। जितने भी YouTube पर हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी को जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उन सभी को एक फ्री गिफ्ट यानी कि तोहफा हमारे शनि मंदिर की ओर से दिया जाएगा, जो कि आपके घर तक हम आपको डिलीवर करेंगे बाय पोस्ट या कुरियर के थ्रू। इस फ्री गिफ्ट को पाने के लिए आपने केवल इतना करना है, जो वीडियोस आप हमारे देखते हैं उसके अंदर आपको एक छोटा सा कोड दिया जाएगा, जैसे कि 444। इस कोड को आपने नोट करना है और हमारी 12 वीडियोस में जो अलग अलग कोड आएंगे उस कोड को आप नोट करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने पते के साथ मैसेज करें ताकि हम फ्री गिफ्ट आपके घर तक आपको पहुंचा दें। हर महीने हमारे वीडियोस में 30 अलग अलग कोडों को दिया जाएगा, जिसमें से केवल 12 कोड आपने हमें देने हैं। जैसे ही आपके द्वारा दिए गए 12 कोड हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपके एड्रेस के साथ में मिलेंगे, विदिन 3 डेज यानी 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ से आपका फ्री गिफ्ट आपको भेज दिया जाएगा। 15 जुलाई 2019 तक प्रत्येक व्यक्ति को जो हमें 12 अलग अलग कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, उन सभी को हमारे शनि मंदिर द्वारा नवग्रह शांति कवच आपके घर तक आपको भेजा जाएगा। इस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए आपने कोई भी पैसा नहीं देना है, पोस्ट का चार्ज, कुरियर का चार्ज, पोस्ट ऑफिस का चार्ज, वो सभी हमारी तरफ से दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ये गिफ्ट आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए हमारे सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और आखिर तक देखते रहें
कब आपको वो कोड मिले उस 3 डिजिट के कोड को आप नोट करें और हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। ध्यान रखें 15 जुलाई 2019 से पहले आपने 12 अलग अलग कोड कलेक्ट करके हमें एक साथ अपने पूरे पते और पिन कोड नंबर के साथ हमारे किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेजें ताकि हम आपको आपका फ्री गिफ्ट आपके घर तक पहुंचा सकें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज अत्यधिक उम्मीदें रखना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आज आपकी उम्मीदें और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी वास्तविकता और आपकी मेहनत से मेल नहीं खाएंगी तो आज आपको चाहे कितना भी फल मिल जाए आप उसे कम ही आंकेंगे और जिस परिणाम स्वरूप आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी मेहनत का आकलन करते हुए ही रिजल्ट्स की आकांक्षा रखें। आज यदि आप अपनी सूझबूझ से काम लेंगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाने का मौका प्राप्त हो सकता है। आज अपने कर्म को प्रबलता देने की कोशिश करें, अपने काम पर फोकस्ड रहें। आज आपकी आर्थिक योजनाएं, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे यदि आप उन्हें सोच समझ कर लेते हैं। कोई भी जल्दबाजी लेने से आज आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज बौद्धिक कार्य करने में जो कि बुद्धि से संबंधित जो कार्य होंगे उन्हें करने में आपकी रुचि होगी और आज यदि आप अनमने मन से किसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो उससे निराशा ही आपके हाथ लगेगी। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो सभी मेष राशि वाले जातकों को मेरी ये सलाह है कि वो एक मंत्र सिद्ध पुखराज की अंगूठी अपने हाथ में धारण करें। इससे निश्चित तौर पर उनके भाग्य को जोर मिलेगा। आप ये अंगूठी किसी भी ज्वेलर से लेकर अपने हाथ में धारण ना करें, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि आप गुरु रजनी शिशि से ये अंगूठी प्राप्त करें तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप माता मां लक्ष्मी जी को सदैव सदैव के लिए अपने घर में निवास करने के लिए आमंत्रण दे सकते हैं और उससे आपके घर में सदैव धन की बरकत होती रहेगी, आपके धन के भंडारों में सदैव वृद्धि होती रहेगी।
आज आपको मिट्टी की नई हंडिया में 7.25 किलो साबुत मूंग, एक दूसरी हंडिया में 1.25 किलो नमक और इन दोनों हंडियों को आपको आज के दिन यानी बुधवार के दिन घर में कहीं रख देना चाहिए और माता महालक्ष्मी जी को ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके घर में आपके धन के भंडारों में आकर सदैव सदैव के लिए निवास करें और आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद दें। इसके पश्चात आपको बृहस्पतिवार या शुक्रवार को प्रसाद बांटना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होकर आपके धन के भंडारों में सदैव सदैव के लिए वास करेंगी और आप कभी भी अपने जीवन में धन की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्या आप कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या आपका लोन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? क्या आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज का कोड है 1, 2, 3।